गुरुदेव, जिज्ञासा जानने की चाह से शुरू होती है। यदि उद्देश्य मैं नहीं जानता, यहाँ पर टिकना है, तो क्या जिज्ञासा का कोई अंत नहीं? जिज्ञासा सिर्फ दो तरह के होते हैं। यह क्या है, ये जिज्ञासा। इस जिज्ञासा से ही विज्ञान पलपा है। और दूसरी जिज्ञासा है, मैं कौन हूं। इससे अध्यात्म शुरू हुआ है। मैं कौन हूं से अध्यात्म शुरू हुआ है, यह क्या है से विज्ञान शुरू हुआ है। अब यह क्या है, इसका कोई अंत नहीं है। संसार अनंत है, अनंत लोक है, सृष्टि अनंत है, और सृष्टि की एक एक चीजें जानते जाओ, इसका कोई अंत ही नहीं है। मर मैं कौन हूं, ये शुद्ध ज्ञान में इसका अंत होता है। ये भी अगाध है, मगर वो एक ही प्रश्न है, एक ही जिज्ञासा है। जब ये जिज्ञासा पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। फिर उनको बाकी सब चीज का भी समझ सरलता से होने लगते। क्यों? जो मैं हूं वो तत्व को जान लिया, तो वो तत्व के आधार पर ही बाकी सब कुछ टिका हुआ है, ये समझ में आ जाता है। इसलिए जहां जिज्ञासापन समाप्त हुआ, वहां बोध की प्राप्ति हुई। तो बोध के फाउंडेशन में, उसके नींव में यह जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्म सूत्र जो हमारा वेदांत का मुख्य ग्रंथ है, उसमें एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा से शुरू करते हैं। फिर जैसे प्राप्ति होती है, तो वो जिज्ञासा उस प्राप्ति में ही विलीन हो जाता है। उदाहरण यह है, जैसे फटकारी है, फटकारी को पानी में डालोगे तो पानी को शुद्ध करता है, फटकारी भी निकल जाता है। इस तरह से ध्यान के लिए जब बैठते हो, मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा से बैठोगे तो वो प्रश्न भी गल जाता है और ध्यान भी घटित हो जाता है, और वो ध्यान ही उसका उत्तर है।